हमारे साथ मौजूद हैं चीफ गेस्ट नूरीन इशफाक जो कि खवातीन यूथ विंग की सदर हैं गुजरात से। आइए इनसे पूछते हैं कि खवातीन के लिहाज से स्पोर्ट और कल्चर है वो किस तरह, मतलब खवातीन के लिए स्पोर्ट एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, तो इनके तफसीलात भी देखते हैं और आगे इनसे गुफ्तगू भी करते हैं। सबसे पहले तो अपना तारफ किस लिहाज से आप जो है परफॉर्म कर रहे हैं। जी नौरीन इशफाक मेरा नाम है, सिटी डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट हूँ और डिस्ट्रिक्ट की बैतुल माल भी मिल रही है। खवातीन से रिलेटेड तकरीबन आलमोस्ट मैं कोई 12 साल से हूँ और खवातीन की जितने जनरल प्रॉब्लम हैं उनका मुझे बहुत ही अंदाजा है। तो स्पोर्ट्स के हवाले से अभी आज तो मुझे आपके इस इवेंट में देख के बड़ी खुशी हुई है कि काफ़ी सारी खवातीन के नोटिफिकेशन जो है, अल्लाह करे कि वो जो है ना इसमें आए और परफॉर्म भी करें। और जिस तरह अभी नोटिफिकेशन हमें इसी तरह ही अगर हर विंग में आपने भी बात की है कि खवातीन का कोई ऐसा सिलसिला है तो वो खवातीन को जहाँ पर भी मौका दिया जाता है, सहूलतें दी जाती हैं, फैसिलिटेट किया जाता है, वहाँ पर वो परफॉर्म करती है। और मेरा ख्याल है कि मर्द शाना शाना वो बल्कि उनसे एक कदम आगे ही चल के वो काम करती है। तो अगर यहाँ पे तो पाकिस्तान में या जैसे हमारे शहरों में तो इश्यूज हैं मेल पर्सन के भी कि उनके लिए भी ग्राउंड और फैसिलिटीज नहीं है। ये अलमिया है बहुत बड़ा कि हमारे ग्राउंड जो है वो उस तरह आबाद ही नहीं हो चुके जिस तरह होने चाहिए थे। इसकी वजह से अब आपने देखा है कि मीडिया पे ही और मोबाइल पे ही और सारी जो गेम्स वगैरह हैं वो उस पर ही होती हैं, ग्राउंड में वो हमें ताकतवर स्ट्रांग लोग बनते हैं ग्राउंड में जाते हुए नहीं है। तो बिल्कुल अगर यही ट्रेजडी मेल पर्सन के साथ है तो फिर आप खवातीन का सोच लीजिए, खवातीन के साथ बेहतर तरीके से अपना रोल परफॉर्म करें। खवातीन से ही माशरे बनते हैं और अगर हम खवातीन को प्रमोट करेंगे और उनको आगे लेके आएंगे, उनको फैसिलिटेट करेंगे तो वो माशरे बनाएंगे और जो वो माशरे बनाएंगे वो इतने मजबूत और इतने कदावर होंगे कि उनकी पहचान एक लंबी उनकी एक तारीफ बनेगी। तो मैं सब लोगों से यही कहूँगी कि प्लीज़ खवातीन को वो वाले मौके दें, बल्कि सब जो स्पोर्ट्स के लोग हैं उन सब के लिए हमें कुछ सहूलतें देनी चाहिए और खवातीन को ज़्यादातर सहूलें और लोग उनसे इंस्पायर होकर और लोग भी आगे बढ़ें, इसमें खवातीन भी बैठे परफॉर्म करें जैसे कि मेल करें। जिस तरह से बचपन से गेम बहुत ज़रूरी होती है इंसान के लिए, तो उस लिहाज से आपने स्टार्ट से, क्योंकि आप हिम्मत में दी हैं स्टार्ट से, किस लिहाज से आपने गेम के लिए परफॉर्म किया? अच्छा कि आपको पता है जो जो हमारा लीडर है इमरान खान को, उसका तो आपको पता है वो स्टार ही गेम का है, गेम का स्टार है, चैम्पियन है, वर्ल्ड चैम्पियन है। तो हम लोग हम से गेम्स लेकर लेके क्योंकि मैं तो नहीं हूँ लेकिन मुझे शौक है कि मेरे बच्चे परफॉर्म करें और मेरी दोनों बेटियाँ जो हैं वो स्कूल लेवल में गेम्स में भरपूर परफॉर्म करती हैं और गेम्स में है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं उनको सारी सहूलतें भी साथ को पाती है, इसी तरह मेरी ये भी ख्वाहिश है कि बाकी माइंड भी करें जो जो जिन जिनके बच्चे स्कूल कॉलेज में या ग्राउंड में जाना करते हैं वो सब अपने बच्चों को मुकम्मल तावन दें और उनके साथ उनको जो उनकी बेसिक जरूरतें हैं वो पूरी करें ताकि वो आगे परफॉर्म करें और क्रिकेट स्टार्ट करें जिस तरह के इमरान स्टार्ट जिस तरह के स्टार्ट से फीमेल की यूथ काउंसलिंग के लिए उनके सदर भी हैं, तो यूथ विंग के लिहाज से आप काउंसलिंग के लिए क्या चीज़ परफॉर्म करें कि फीमेल की बेहतरीन काउंसलिंग के लिए? बिल्कुल जी, उनकी देखिए जैसे मर्दों को मोटिवेट करने के लिए तो शायद थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है लेकिन खवातीन की मोटिवेशन जब जब किसी चीज़ में हो जाती है तो वो उसके लिए आपको उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ ज़्यादा तगड़ो नहीं करनी पड़ती, वो खुद तेज और तेज तरीके से आगे मूव करती रहती हैं और वो अपने गोल को अचीव कर लेती हैं। तो मेरा ख्याल है कि खवातीन की अगर हम बेहतरीन काउंसलिंग करेंगे, उनको इस चीज़ पर समझाएंगे और उनके लिए वो चीज़ें मैं बार बार ये कहती हूँ कि प्रोवाइड जो फैसिलिटीज हैं वो करेंगे तो मेरा ख्याल है कि खवातीन से जो है ना जो यंग लोग हैं आगे लड़कियाँ हैं वो आएंगी गेम्स में और हर जगह पे वो अपने कामयाबी के चंगे जाएंगे। आपकी कोई फेवरेट गेम? मेरी फेवरेट गेम तो जाहिर है क्योंकि मेरा लीडर इमरान खान है तो डेफिनेट मुझे गेम भी वही पसंद होगी। तो ये है कि मैं सारी गेम जो भी हूँ उनको देखती हूँ, फिर जो खासतौर पर अपने मुल्क की जो गेम मतलब पाकिस्तान किसी दूसरे मुल्क के साथ खेल रहा हो तो मैं उसको ज़्यादा शौक से देखती हूँ, उसी जज्बे के साथ देखती हूँ। फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं वैसे ही पार्टिसिपेट करूँ जैसे ग्राउंड में बैठे हुए लोग करते हैं।
तो मैं हमेशा से पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के जो जहाँ जहाँ पे चैंपियन बनने के वो प्रभाव या चीजें नजर आती है उसको मैं इतनी मोटिवेट होते देखती हूँ, जैसे ग्राउंड में बैठे हुए लोग या के मोटिवेशन वाले लोग देखते आज इस प्लेटफॉर्म से मैसेज जो मैं अपनी सारी टीम में से हमेशा ये कहती हूँ कि मुझे पता है कि आप लोग में बड़ा टैलेंट है, लेकिन बार बार ऐसी सूरत हाल हो जाती है कि हमारे पास लोग मौके नहीं होते कि जिन जो हमें आगे बढ़ने का मौका फराहम करते हैं, या माहौल ऐसा नहीं है या कुछ ऐसा है। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट है उसमें गवर्नमेंट बनने में भी और इनामा की स्ट्रगल में जो सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन खवातीन की थी, तो मेरा ख्याल है मौजूद है कि अगर वो किसी भी फील्ड में आके आना चाहें तो हम उनको वेलकम करेंगे और हम चाहेंगे कि ग्राउंड में ना खवातीन लड़कियाँ और जितनी भी हमारी यूथ की जो हैं स्कूल कॉलेज लेवल के वो आगे बढ़ें और उनको हम उनका मुकाम दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे।